गंगा जी में स्विमिंग। दोस्तों अगर आपको तैरना आता है तो आप तभी तैरें, वरना आप गंगा जी में ना तैरें, आप चैन पकड़ के ही स्नान करें, क्योंकि जल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और आगे जाके नाई घाट पर जल काफ़ी तेज हो जाता है, तो आप चैन पकड़ के ही स्नान करें। दोस्तों जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय हर के पौड़ी का आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा दर्शन करें। और दोस्तों आज 3 अप्रैल रविवार का दिन, और देखिए आप, और आज माता का दूसरा नवरात्रा, आप माँ गंगा के दर्शन करें और देखिए आप, लाखों की तादाद में आज भी श्रद्धालु यात्री लोग पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। ये देखिए आप, मैं आपको पूरा हर की पौड़ी का दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए आप। और मार्केट की तरफ काफ़ी भीड़ है आज, और यह है गंगा मंदिर। और सामने घंटाघर घाट, और दोस्तों समय हुआ है 9:35, और देखिए आप, ये सुबह सुबह का दृश्य। और दोस्तों यह है महिला घाट का दृश्य, देखिए आप। तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे, और वहाँ से दिखाता हूँ ब्रह्मकुंड घाट का दृश्य। और दोस्तों आप इस तरफ का दृश्य भी देख सकते हैं, देखिए आप, पूरा घाट भरा हुआ है आज। मैं आपको हर की पौड़ी के पूरे घाट दिखाऊंगा आज, देखिए। और दोस्तों साथ साथ में अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि भीड़ भाड़ में आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करेंगे, और आप जेब पत्रों से सावधान रहें, क्योंकि तो काफ़ी भीड़ है आज, संडे का दिन है। तो देखिए आप, अपना मोबाइल, पर्स, बच्चे, छोटे बच्चे, आप उनका आप हाथ पकड़ के रखें। और यह है आज का हर के पौड़ी का दृश्य, देखिए आप, लाखों की तादाद में पहुँचे हुए हैं श्रद्धालु, पूरे घाट खुले हैं। और आपको ले चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ और घाट। दोस्तों गर्मियों का टाइम है, तो आपको अब हरिद्वार में भीड़ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वीकेंड में तो काफ़ी भीड़ होती है, और वैसे भी हर दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, और ख़ासकर वीकेंड में और त्योहारों में तो काफ़ी भीड़ होती है। देखिए आओ, पूरा घाट खुला है, और सामने आप जो देख रहे हैं यह है ब्रह्मकुंड घाट, जहाँ पे सुबह और शाम माँ गंगा जी की आरती होती है। देखिए आप, पूरा घाट फुल है, आपको ले चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ और घाट। गंगा जी में स्विमिंग। दोस्तों अगर आपको तैरना आता है तो आप तभी तैरें, वरना आप गंगा जी में ना तैरें, आप चैन पकड़ के ही स्नान करें, क्योंकि जल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, और आगे जाके नाई घाट पर जल काफ़ी तेज हो जाता है, तो आप चैन पकड़ के ही स्नान करें। और दोस्तों यह है नाई घाट, तो देखिए आप, ये घाट पूरा फुल है, देखिए आप,
और यहाँ पे इस घाट पे जल की गति काफ़ी तेज है, तो आप रेलिंग के उस पार स्नान ना करें, इसी पार करें। पर श्रद्धालु गए हुए हैं उस पार, देखिए आप चैन पकड़ के स्नान कर सकते हैं। और आगे काफ़ी गहरा है जल, यह है नाई घाट का सुंदर दृश्य, देखिए आप गंगा किनारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम एकदम साफ है, धूप काफ़ी तेज है, गर्मी शुरू हो चुकी है। अगर आप आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, और बाकी आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, आप आ सकते हैं। और मुझे कमेंट आ रहे थे कि हम पेपर देने आ रहे हैं, तो दोस्तों आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और दोस्तों यह है सुभाष घाट का सुंदर नज़ारा, देखिए आप ये घाट पूरा फुल है आज। दोस्तों इस समय मैं नाई घाट का हूँ, तो देखिए आप, मैंने आपको उस समय से जो आपने देखा होगा मैंने वहाँ से इस तरफ का दृश्य दिखाया था नाई घाट का, और मैं इस समय नाई घाट में हूँ और नाई घाट से मैं आपको इस तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, और ये है अस्थि प्रवाह घाट, यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। मैं आपको चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ। और ऊपर आप देख सकते हैं संजय पुल, इसके बाद मैं आपको स्कूल पे ले जाऊंगा और स्कूल से दिखाऊंगा पूरा हर की पौड़ी का दृश्य। तो देखिए आप और दोस्तों मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ संजय पुल पर, देखिए आप आज पूरा हर की पौड़ी फुल है। और संजय पुल से दिखाऊंगा मैं आपको पूरा हर की पौड़ी का दृश्य इस पुल से, तो देखिए आप। देखिए ये पुल पूरा भरा हुआ है, और ये नाई घाट। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखिए आप ये अस्थि प्रवाह घाट, ब्रह्मकुंड घाट, घंटाघर घाट और आगे महिला घाट,
देखिए आप। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय।